सिर बांध के बैकवाटर की मांग को लेकर महासमुंद जिले से सैकड़ों किसान महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू के नेतृत्व में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के निवास का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान जब हमारे संवाददाता ने प्रदर्शन कर रहे नेताओं से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सेल जो बांध है वहां से जो बैक वाटर है उसको लेकर यहां पर जो महासमुंद जिले से गरियाबंद जिले से तमाम लोग आप देख सकते हैं यहां पे अपनी जो बैक वाटर से जो मांग है उसमें बांध बनाने की जो मांग है उसको लेकर ये यहां पर जो कि जितने किसान हैं वो पहुंचे हुए हैं। जो सांसद हैं चुन्नीलाल साहू वो यहाँ पर मौजूद हैं। जेल रोड में इन्हें रोक दिया गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के घर का घेराव करने ये तमाम लोग निकले हुए थे लेकिन इन्हें जेल रोड पर अभी रोक दिया गया है। एक बड़ा प्रदर्शन है, आप देख सकते हैं जितने कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, काफी यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान जो है वो पहुंचे हुए हैं। चुन्नीलाल साहू यहाँ पर मौजूद हैं। एक सीकर सिर बांध को लेकर ये जो था पूरी स्थिति जो पहले भी घोषणा कर दी गई थी ऐसे कहा जा रहा था इसको लेकर आज प्रदर्शन है। सिका शेर का 20 गुना पानी पैरी नदी में बह जा रहा है और एक तरफ इधर गरियाबंद जिले के गरियाबंद का कुछ हिस्सा छुरा विकासखंड पिंगेश्वर विकासखंड बागबाहरा विकासखंड महासमुंद सूखे से प्रभावित हो रहा है। लगातार पलायन की घटनाएं आप लोगों के माध्यम से हमको पता चल रहा है और एक तरफ पानी बह रहा है। हमारी मांग है कि व्यर्थ बहने वाले पानी को नहर बना करके किसानों के खेत में सूखे पड़े बांधों में भरा जाए ताकि किसान जो है सक्षम हो सके, किसान आत्मनिर्भर हो सके, किसान आत्मनिर्भर होकर के खेती कर सके। और ये सरकार ने जो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा दिया, एक ईंट नहीं रखा गया है, केवल बजट में व्यवस्था किया गया। दो साल तक मैं लगातार मिल रहा हूँ माननीय सिंचाई मंत्री से, मुझे पत्र भी दिया गया कि आपके पत्रों को अग्रिम कार्रवाई के लिए दिया गया है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए आज किसान जो है सड़क पे उतरे हैं और इस किसान को ये बजट जो आज आया है। विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, इसमें विधानसभा में इन सभी चीजों को रखने की बात बिल्कुल बजट में व्यवस्था किया जाए, वित्तीय प्रावधान किया जाए और तत्काल सिकासेर में नहर बना करके दोनों ही जिला के किसानों को पानी दिया जाए। तमाम चीजों के बावजूद अगर हल नहीं निकलता है तब क्या होगा? किसान जो है अपनी लड़ाई लड़ना जानती है और किसान निकल पड़ी है। पदयात्रा 140 किलोमीटर किए हैं, आने वाला समय में और जो भी होगा और आंदोलन करना पड़े इसके लिए आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि और भी आंदोलन होंगे, अगर हल नहीं निकलते हैं तब ये आंदोलन होंगे लगातार जो है तमाम ये जो मुद्दे बताए गए लेकिन अगर हल नहीं निकलता है तब क्या? देखिए, किसानों के पास हमारे पास लोकतांत्रिक जितने तरीके हैं हम सारे तरीकों का इस्तेमाल इस सरकार के खिलाफ करेंगे। हमने भी यहाँ पर पदयात्रा किया है, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ये सारी लड़ाई हम सड़क से लेकर सदन लड़ेंगे। हम किसानों के बीच जागरण फैलाएंगे और आने वाले चुनाव में सरकार को चेतावनी देते हुए हमारी मांग को पूरी कराने के लिए इस सरकार को पदच्युत करना पड़ेगा तो वह भी हम करेंगे क्योंकि हमारी मांग है कि हमारी मांगे पूरी करें अन्यथा भूपेश बघेल गद्दी छोड़ें। सड़क से लेकर सदन तक की जो लड़ाई है वो होगी, लगातार अगर बात की जाए तो लड़ाई लड़ी जाएगी और अपने मांगों को लेकर यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं। कृषि मंत्री के घर का घेराव करने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन अनंत शर्मा के साथ अभिषेक डटसेना, इंडिया न्यूज रायपुर।